वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग के पास एक लैपटॉप है जिसका लैपटॉप का मॉडल नंबर है लेनोवो G570 और इसका बोर्ड का पार्ट नंबर है LADS675AP। और इसमें जो प्रॉब्लम है लैपटॉप में, मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम है, ये ऑन नहीं हो रहा है, डेड है। तो हालांकि डेड जो है ना, वो जैसे ही मैं DC में इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टिंग नज़र आ रहा है, काफ़ी हाई लोड ले रहा है और यहाँ पर शॉर्टिंग नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इसमें जो शॉर्ट है, कौन सा सेक्शन में शॉर्ट है और कहाँ पे क्या है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड में हल्का सा डस्ट है, पहले डस्ट को क्लीनिंग के लिए देता हूँ, फिर क्लीन हो गया आएगा, फिर इसमें नेक्स्ट जो काम है सारा करेंगे। इसमें बोर्ड क्लीन होके आ गया हुआ है, अभी इसमें हम डायग्नोस्टिक करेंगे, इसमें क्या पार्ट ख़राब है, कौन सा IC खराब है, कौन सा MOSFET खराब है, क्या खराब है, इसमें डायग्नोस्टिक करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे। हालाँकि जो कंडीशन है बोर्ड का, वो शायद रिपेयर हो जाएगा। तो सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और काम किस कैसे किया जाता है कंप्यूटर सिटी में, मतलब लैपटॉप ओपन से लेके लैपटॉप का मदरबोर्ड में कैसे काम होता है, लैपटॉप पैकिंग कैसे होता है, मतलब शुरू से आखिरी तक हम लैपटॉप के साथ क्या क्या करते हैं और ताकि वो रेडी होता है, वो कंप्लीट वीडियो अगर मैं किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगा, ताकि पूरा कंप्लीट एक स्टेप रहे। ठीक है, नेक्स्ट डाल देंगे दूसरा वीडियो में। तो फिलहाल इसमें फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें कोई ट्रैक, कोई बंट वगैरह है कि नहीं, कोई MOSFET वगैरह बंट है कि नहीं, कोई कैपेसिटर, ये सब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल इंस्पेक्शन पहले ज़रूरी होता है हमेशा जी। यहाँ पे मेरे को दिखा, मुझे दिख गया यहाँ कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है ना, मैं यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप में दिखाऊँ, और जो कैपेसिटर है ना, ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे ब्रोकन है, मुझे दिखा। पहले इम्पीडेंस ले लेते हैं इसका, जितना भी कॉइल है सबसे यहाँ से शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या कितना मिलता है हमको। इस साइड तो कोई कॉयल नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें एक बार फर्स्ट MOSFET से शुरू करते हैं, इसका फर्स्ट MOSFET यही है, ये रहा फर्स्ट MOSFET, एकदम शॉर्ट है, जीरो इसका, ये पूरा कंप्लीटली शॉर्ट है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट MOSFET को रिमूव कर देते हैं। इसका जो IC का नंबर है 4423 है, इसको रिमूव कर देते हैं पहले, और बाकी आगे जो जो शॉर्टिंग होगा क्लियर करेंगे पहले, फिर इसमें नया IC डालेंगे, फिर रिपेयर करेंगे इसको। MOSFET को निकाल दिया हूँ, MOSFET दोनों साइड से ज़ीरो बता रहा है, यानी कि ये शॉर्ट हो चुका है, ये ख़राब है, तो इसको साइड कर देते हैं। बाकी आगे का जो प्रोसीजर है, जो मुझे दिखा यहाँ, इसको भी देख लेता हूँ, ये शॉर्ट है, पहले इसी को निकाल देते हैं। ये दोनों कैपेसिटर को निकाल देता हूँ, क्योंकि एक में हल्का सा ये भी हो गया हुआ है, इन दोनों में से एक ख़राब है और एक थोड़ा सा उसके पास रह के पूरा रस्ट हो गया हुआ है, तो इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी नया लगा लूँगा। ये शॉर्ट है कंप्लीट और ये शॉर्टिंग नहीं है, ये रस्ट है इसीलिए मैं इसे निकाल दिया, बाकी एक शॉर्ट है उसमें से, जी शॉर्टिंग तो हट गया,
बोर्ड में और शॉर्टिंग नहीं है फिलहाल। इसमें हम जी शॉर्टिंग तो अब नहीं है बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स अप्लाई करते हैं यहाँ और यहाँ पे डाल देंगे कंपोनेंट। बोर्ड रिपेयर कर दिए हैं, अभी इसमें चेक करेंगे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो जो कंपोनेंट ख़राब था सारा को रिप्लेस कर दिए हैं और बोर्ड को रिपेयर कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल करते हैं इसमें चेक कि इसमें डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। फिर कंप्लीट यूनिट असेंबल होगा, क्लीनिंग होगा, फिर असेंबल होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर कस्टमर को हैंडओवर करेंगे। रैम को थोड़ा क्लीन कर दिए, रैम लगा देते हैं, सीपीयू भी लगा दिए हैं। अभी इसमें करेंगे ऑन, ऑन करके देखते हैं इसमें कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेन ड्राइव तो नहीं है इसमें, अच्छा एम्पियर ले रहा है, मशीन ऑन भी हो जाएगा लगभग क्योंकि पहले शॉर्टिंग था, शॉर्ट था बोर्ड। ऑन कर रहे हैं, ऑन भी हो रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। उनका स्क्रीन में एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं। डिस्प्ले लगा के एक बार टेस्ट कर लेते हैं इनका इंटरनल डिस्प्ले में, डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑन किया, डिस्प्ले आ रहा है एकदम, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो गया हुआ है। और इसको बढ़िया से क्लीन करके फिटिंग पेस्ट फेस्ट दे के सर्विस भी होगा इसमें। और हिंज का भी काफ़ी टाइट है, हिंज भी करना होगा। ये मॉडल काफ़ी टूटता है, जो G570 मॉडल है ये बहुत ही टूट जाता है, इसको रिपेयर भी करना होगा। इसका तो केस क्लोज हो गया हुआ है। अगर आपका लैपटॉप में दिक्कत है या फिर हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मॉडल है जैसे कि SR, लेनोवो, डेल हो गया, तोशिबा हो गया, फुजिस्तो हो गया, सोनी हो गया, काफ़ी सारा मॉडल है, जैसे कि अभिता नया सीरीज का है, इस टाइप का अगर मॉडल है, सारा मॉडल का काम करते हैं और हर चीज़ का काम करते हैं, डेड हो गया, ऑन ऑफ हो जा रहा है, ग्राफिक्स इशू है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, सारा चीज़ का काम करते हैं, हर चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्ते।